दोस्तों आप सबका इस जूम वेबिनार में जो कि दो हिस्सों में बटा है, कुछ लोग यहाँ सेमिनार रूम में भी बैठे हुए हैं सीएसडीएस के, तो सीएसडीएस की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और खास तौर पर श्री भंवर मेघवंशी जी का स्वागत करता हूँ, जिन्होंने आज एक बड़े ही टॉपिकल मुद्दे को चुना है हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अंबेडकरवादी आंदोलन का समकालीन परिदृश्य कह लीजिए, उसकी दशा और दिशा कह लीजिए, लेकिन हम सब जानना चाहते हैं। भंवर जी बड़े हरफन मौला इंसान रहे हैं, इन्होंने राजस्थान से पढ़ाई लिखाई की है अपने राज्य से, वहाँ भीलवाड़ा जिले के सिरड़ियास गांव में पैदाइश है इनकी, कला साहित्य की पढ़ाई और राजनीति और शिक्षण फिर पत्रकारिता में भी हाथ आजमाए, दहकते अंगारे, डायमंड इंडिया, खबर कोश, शून्यकाल। दहकते अंगारे तो लगता है एकदम गुलशन नंदा के उपन्यास का शीर्षक है और बहुत बढ़िया, तो इनका संपादन किया है, फिर संगठनात्मक कार्य किया, किशोरावस्था आरएसएस के साथ इनकी गुजरी, फिर मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहे 13 वर्ष तक, दलित आदिवासी एवं घुमंतु अधिकार अभियान राजस्थान डगर की भी स्थापना इन्होंने की, आजकल PUCL पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के साथ सक्रिय तौर पर जुड़े हुए हैं, इन्हें ढेर सारे सम्मान मिले हैं, भौरुका चैरिटेबल ट्रस्ट अवार्ड, सामाजिक न्याय अवार्ड, बेस्ट सिटीजन जर्नलिस्ट अवार्ड, सरोजनी नायडू अवार्ड, अंबेडकर इंटरनेशनल अवार्ड और क्यों नहीं। इनकी प्रकाशित पुस्तकें, चुनिंदा पुस्तकें इस प्रकार हैं, मैं एक कार सेवक था, सबसे मशहूर शायद अम्बेडकर के नाम पर, हल्ला बोल, महान समाज प्रचेता रामदेव पीर, कितनी कठपुतलियां, नवग्रह का हंस, घर घर अंबेडकर, भीलों की पदचाप, वाल्मीकि समाज, सभ्यता एवं संस्कृति, यात्राएं, डांगावास, दलित संघार, हकीकत तो यह है, फांसीवाद की आहटें, सुलिया मंदिर प्रवेश, कब सहिष्णु थे आप, नरेगा का इतिहास, इत्यादि इत्यादि। संपत्ति, आप लेखन भ्रमण व आंदोलन में जुटे हुए हैं और निशिकांत, मैं अपने साथी डॉक्टर निशिकांत कोलगे का भी धन्यवाद करना चाहता हूं आप सब की तरफ से, जिन्होंने ये टॉक सेटअप किया हमारे लिए, इसका आयोजन किया। तो मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए श्री भंवर मेघवंशी जी को दावत देता हूं आज के व्याख्यान के लिए, अंबेडकरवादी आंदोलन का समकालीन परिदृश्य। आइए भंवर जी। बहुत शुक्रिया रविकांत जी, और सीएसडीएस का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज की इस बातचीत को रखा, क्योंकि अभी अभी हमने डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई है 131वीं, और उन सारे आयोजनों का एक तरीके से अभी समापन ही हुआ है, और ऐसे एक समय में आपने लगभग उसी से जुड़े हुए विषय पर, एक मौजूदा विषय पर आपने ये बातचीत रखी, मैं आभार प्रकट करता हूँ। मुझे लगता है कि अभी का जो परिदृश्य नजर आता है वो बहुत खुशनुमा तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ी ठीक लगती है, और मैं उन पर बातचीत से इस बातचीत को शुरू करता हूँ। आजकल ये देख रहे हैं हम कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार शहरों की जो आबादी थी, जिसमें 20-30 साल पहले 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को कभी कभार सुनने को मिलते थे, वो आजकल शहरों से निकल करके गांवों तक और घर घर तक पहुंच रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर का साहित्य अंबेडकर से जुड़ी हुई चीजों और किताबों, झंडे, बैनर, आयोजन, प्रदर्शन, ये सब दिखाई दे रहे हैं,
और उससे ये ऐसा लगता है कि जैसे अंबेडकरवादी मूवमेंट शायद ग्रास रूट तक पहुंच गया है और वो बहुत प्रबल होता जा रहा है। इसके साथ साथ मुझे ये भी नजर आता है कि जीते जी अंबेडकर, जिनको बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थे, जिन्होंने उनकी आलोचना की, उनके पुतले जलाए, उनके खिलाफ खूब विश्वमन किया, उनके साहित्य में भी हैं वो सब विचारधाराएं, पार्टियां, दल और संगठन, उनके लिए भी डॉक्टर अंबेडकर आजकल अनिवार्य नजर आ रहे हैं। अनिवार्य है, स्वीकार्य नहीं है। वो चाहे ऊपर ऊपर से ही सही, लेकिन दिखने लगे हैं डॉक्टर अंबेडकर। और ये थोड़ा अजीब सा भी लगता है कभी कभी, क्योंकि कई ऐसे विचार के लोग भी डॉक्टर अंबेडकर को अपनाए हुए हैं या अपनाते हुए दिखते हैं, जिनका कोई मेल जोल नहीं है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलनों में भी सबसे आगे की गाड़ी में हेडगेवार गोलवलकर के बाद तीसरा जो फोटो नजर आने लगा है वो डॉक्टर अंबेडकर का नजर आने लगा है, जबकि उनका डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से किस तरह का क्या मेलजोल है वो सब कोई लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है कि सब तरह के लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को अब अपना लिया है। वो शायद जरूरत हो गई है, मजबूरी हो गई है, कुछ तो हुआ है कि अब चाहे वामपंथी संगठन हो, चाहे दक्षिणपंथी संगठन हो, चाहे जिनकी कोई विचारधारा विहीन संगठन हो, राजनीतिक दल हो, उन सब ने भी जय भीम भी कहना शुरू किया है और अंबेडकर की तस्वीरें भी वो अपने कार्यक्रमों में लगा रहे हैं। मूर्तियां लगभग हर ब्लॉक पे डॉक्टर अंबेडकर की लग ही चुकी है, आप जहां भी जाएंगे वहां देश भर में देख सकते हैं। स्मारक बन रहे हैं बड़े बड़े, चैत्य भूमि हो, अंबेडकर की जन्मभूमि मऊ हो, चाहे दीक्षा भूमि में पहले से ही बना हुआ है, बाहर देशों में भी जहां जहां बाबा साहब रहे वहां भी अंबेडकर हाउस वगैरह बनाए जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर बड़ी चीजें की जा रही है और एक तरीके से प्रतीकों की देश विदेश में धूम मची हुई है। अंबेडकर का नाम हो चाहे जय भीम का नारा हो, वो सर्वत्र गुंजायमान है। उनके चित्र जो पहले नजर नहीं आते थे, जब हमने काम शुरू किया तो हमको अंबेडकर का चित्र ले जाकर के, तस्वीर ले जाकर गांव-गांव में दिखाना पड़ता था कि ये डॉक्टर अंबेडकर हैं, लेकिन आजकल छोटे से छोटे गांवों में मैं देखता हूं कि सब जगह पर डॉक्टर अंबेडकर के चित्र नजर आते हैं। तो एक तरीके से राष्ट्रव्यापी हम देख सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर नजर आ रहे हैं। तो अंबेडकर के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, चाहे वो अब्रॉड में स्कॉलरशिप लेकर के पढ़ने जाने की बात हो या देश में ही विभिन्न सरकारों की तरफ से कई सारी योजनाओं के नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर हो, या उनके नाम पर रास्ते बनाए जा रहे हैं, सर्किल बनाए जा रहे हैं, ये सब चीजें बहुत कुछ हो रहा है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी भी उनकी जन्मतिथि और उनके निर्वाण दिवस पर बहुत सारी दौड़ से लगा करके खेलकूद और तमाम तरह की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे अंबेडकर का युग आ चुका है और बहुत कुछ बाबा साहब के नाम पे ऐसा हो रहा है जैसे ऐसा लगता है कि अंबेडकरवादी आंदोलन जो चाहता था शायद उसने प्राप्त कर लिया है। लेकिन शायद यही रुक करके सोचने की जरूरत है, ये एक आत्मालोचना करने की जरूरत है कि क्या वाकई डॉक्टर अंबेडकर का जो विचार था, वो जो चाहते थे, उनका जो सपना था देश को लेकर के, लोकतंत्र को लेकर के, संविधान को लेकर के या अपने समुदाय को लेकर के, क्या उस पर भी कोई बात हो रही है या केवल और केवल डॉक्टर अंबेडकर के नाम को लेकर के, नाम लेकर के बहुत सारी चीजें हो रही है। तो मैं अब थोड़ी सी बातचीत उस विषय में करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आजकल जब मैं ये सुनता हूँ कई सारे लोग डॉक्टर अंबेडकर, अभी 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 14 अप्रैल को कई सारी जगहों से जो निमंत्रण पत्र आए उसमें डॉक्टर अंबेडकर के नाम से पहले राष्ट्र ऋषि, आधुनिक मनु, प्रातः स्मरणीय, पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, ऐसे अल्फाज पढ़ने को मिले मुझे
और मुझे लगता है कि ये जो पूजनीय अंबेडकर है, ये एक बड़ा खतरा है अंबेडकरवादी आंदोलन के लिए, क्योंकि एक पठनीय अंबेडकर की हमें जरूरत लगती है कि अंबेडकर ने जो कुछ लिखा, जो कुछ कहा, जो कुछ उनका अवेलेबल है साहित्य, उसको पढ़ने की जरूरत और समझने की जरूरत थी, लेकिन उससे दरकिनार करके पठनीय अंबेडकर को पूजनीय अंबेडकर बना करके मूर्तियों तक सीमित करने का एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है। और क्योंकि जो विचारवान अंबेडकर है, किताबों में जो अंबेडकर है, वो विचारवंत अंबेडकर कष्ट दे सकता है, ये जो मूर्तियों में जड़ अंबेडकर है, वो चाहे अष्टधातु की मूर्ति हो, चाहे किसी काले मार्बल की या संगमरमर की मूर्ति हो, कोई भी मूर्ति कितनी भी महंगी क्यों नहीं हो, वो जड़ अंबेडकर है और वो किसी को कष्ट नहीं देता है और वो धीरे धीरे एक पूजनीय स्थिति में पहुंच रहा है और वो परम पूज्य के रूप में दिखा रहे हैं। और वो एक रस्म अदायगी के लिए एक दो दिन साल में जाकर के वहां पर माला चढ़ानी है, मुट्ठी बांधनी है और नारे लगाना है। तो ये जो पठनीय अंबेडकर पूजनीय अंबेडकर में बदल गए हैं, ये एक गंभीर खतरा है। लेकिन मुझे लगता है कि उनके विरोधी और अनुयायी दोनों ही समान रूप से खुश हैं इस चीज से कि बाबा साहब नजर आ रहे हैं चारों तरफ से, लेकिन कौन से बाबा साहब हैं और क्या है उसका हद। तो ये है कि आजकल ऐसी ऐसी मूर्तियां डॉक्टर अंबेडकर की लगाई जा रही है जिसका न चेहरा डॉक्टर अंबेडकर से मिलता है, न किसी और से मिलता है। कई बार लगता है कि ये बाबा साहब की है या किसी लाला साहब की मूर्ति है, लेकिन वो लगाने की एक होड़ सी मची हुई है किसी भी जगह में, गंदी जगहों पर भी। और कई बार ऐसा भी लगता है कि कई सारे भूमाफिया लोगों ने भी इसमें अपनी एक भूमिका लेना शुरू कर दिया है कि कहीं भी विवादित जमीन है वहां बाबा साहब को ले जाके रोक दो। तो ये जो सब चीजें चल रही है, ये एक एक गंभीर स्थिति है जिसकी दिशा में सोचने की जरूरत है। दूसरा, मुझे ये लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर का एक बड़ा विचार जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के रूप में हमारे बीच में है, जो उनका प्रसिद्ध किताब है, जो भाषण था जो दिया नहीं जा सका था लाहौर जाति तोड़क मंडल के सम्मेलन में, वो जो विचार उसमें जो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं और जो सपना लेते हैं कि जातियों का समूल उच्छेद हो और जाति की जो पूरी व्यवस्था है उसने किस तरीके से हम हमारे बीच में एक बंधुत्व का निर्माण नहीं होने दिया, या हम एक देश के रूप में भी, एक धर्म के रूप में भी नहीं बन पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, वो जो चिंता डॉक्टर अंबेडकर करते हैं और जाति उन्मूलन का एक एक पूरा रोडमेप देते हैं अंतर जाति विवाहों के रूप में, सहभोजों के रूप में और भी बहुत सारी चीजों के रूप में, मुझे लगता है कि वो पूरा सपना अब खत्म होता जा रहा है। अभी इस वक्त कोई बहुत रेयर कोई बात करता है इस सारी चीज पे, और वो भी मंचों की शोभा के लिए बात है। समाज में जब नीचे जाकर के हम देखते हैं, ग्रास रूट पे जब हम देखते हैं, तो हमें ये लगता है कि हर कोई एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को छोड़ करके स्ट्रेंथन ऑफ कास्ट करने में लगा हुआ है, और जिन लोगों के लिए कास्ट एक प्रिविलेज है और संपत्ति है वो तो करेंगे ही, लेकिन जिनके लिए वो बेड़ियां हैं और जिनके लिए वो अपमान का विषय रहा, उन लोगों ने भी जाति को एक आभूषण मान करके और उसको सजा करके पहनना शुरू कर दिया है। और ये स्थिति अब और बदतर होती जा रही है, और मैं लगातार ये देख रहा हूं कि अनुसूचित जातियों के मध्य उपजातीय अस्मिताओं का उभार और उनके बीच की जो संघर्ष है वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का तो पूरा पूरा मामला ही खत्म हो गया है, पूरा वो तो विचार ही कहीं और रह गया है, केवल वो डॉक्टर अंबेडकर की किताब में संग्रहित है और वो उसी में शोभा पा रहा है। बाकी जमीन पर जो नजर आ रहा है, धरातल पर, अपनी अपनी उपजाति को महान बताना, उसके लिए उसके इतिहास की रचना करना और उसी के लिए केवल बात करना कि दूसरी जो उपजाति है दलितों की, वो उसका लिया या उसका जो है वो सब खाए जा रही है। और ये संघर्ष आपको तमिलनाडु से लगा करके उत्तर प्रदेश तक और राजस्थान से लगा करके आपको बिहार तक, तमाम जगहों पे ये नजर आ रहा है। हर एक जगह में दो तीन बड़ी मेजोरिटी वाली उपजातियां आपस में लड़ रही है और फिर छोटे छोटे जो समूह हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, और इस दरार का सबसे ज्यादा फायदा इस देश के दक्षिणपंथी संगठन
ले रहे हैं इस वक्त में। अंबेडकरवादी आंदोलन ने मुझे लगता है कि तात्कालिक विषयों, मुद्दों और विचारों पर काफी तीव्र प्रतिक्रिया और प्रतिवाद रचने का काम किया है और वो दिखाई देता है, लेकिन अपने समुदाय के जो भावी प्रश्न है कि ये समुदाय आगे कहाँ जाएगा, 5 साल बाद कहाँ होगा या 50 साल बाद कहाँ होगा या 100 साल बाद इस समुदाय की स्थिति क्या होगी, उसको लेकर के कोई विजन, स्पष्ट विजन सामने नहीं आता है। कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट पिछले इन सालों में कोई 3-4 दशक में बन करके सामने आया हो ये भी नजर नहीं आता। हाँ, व्यक्तिगत रूप से कुछ कुछ लोगों ने कुछ किया होगा, दलित मैनिफेस्टो भी एक बना था, कई लोग डाइवर्सिटी मिशन चला रहे हैं तो वो भी अपना एक कुछ कर रहे हैं, हर संगठन का भी 1-2 पेज का नजर आता है, लेकिन ऐसा कोई सामूहिक चीज नहीं बनी जहां लोगों ने ठहर करके कुछ किया हो, जहां जिसके आधार पे ये समाज आगे बढ़ने के बारे में सोच सके। इस दिशा में कोई काम, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नजर नहीं आ रहा, और ये जो रिक्तता है, ये खालीपन समाज में कुछ और किस्म की अराजकता को पैदा कर रहा है, क्योंकि जो नौजवान पीढ़ी आ रही है उसके सामने कोई पथ प्रदर्शन के लिए ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। या तो उनको डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना है, उसी में से सारी चीज निकाल के लानी है, लेकिन हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि नई समस्याओं के पुराने समाधान नहीं हो सकते हैं। कहीं न कहीं आज की जो स्थितियां हैं, आज के जो सवाल है, वो डॉक्टर अंबेडकर के या अन्य बहुजन महानायकों और नायिकाओं के विचारों के आलोक में तो देखा जा सकता है, लेकिन उनके प्रश्न हमें उन्हीं की किताबों में खोजने हैं उनके जवाब, ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और नए दौर के लिए हम कुछ नया विजन डॉक्यूमेंट बनाने में पूरी तरीके से विफल रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। मुझे ये भी लगता है कि पूरे अंबेडकरवादी आंदोलन में सामाजिक गैर बराबरी को मिटाने के लिए तो बहुत जोर लगाया है, और पूरा एक तरीके से ये इस पर जोर रहा है कि शायद सामाजिक तौर पे बराबरी आ जाएगी तो बाकी तमाम बराबरियां आ जाएगी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो एक चिंता प्रकट की और जो उन्होंने संविधान पेश करते वक्त कहा कि हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं जहां हम राजनीतिक रूप से तो एक होंगे लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से गैर बराबर होंगे, तो ये जो सामाजिक गैर बराबरी है वो तो हमने पकड़ी, लेकिन जो आर्थिक गैर बराबरी का प्रश्न है मुझे लगता है कि उस पर सबसे कम सोचा गया, शायद उस पर सोचने की बात ही नहीं हुई, उस पर उस दिशा में सोचने की जो जरूरत थी या जिन लोगों ने उस दिशा में कुछ कोशिश भी की तो उन पर वामपंथी या कम्युनिस्ट ये सारी चीजें की ये तो इस विचारसरणी से आते हैं, तो वो एक तरीके से दरकिनार रहे। ये जो पूरा अंबेडकरवादी आंदोलन है उसने उनको कोई बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा, और जो आजीविका के प्रश्न थे, भूमि सुधार के, भूस्वामित्व के प्रश्न थे, वो सारे प्रश्न मुझे लगता है कि दबे रह गए हैं, और आज भी ये जो अस्तित्व, जो अस्मिता का जो पूरी बात है, वो पूरा आंदोलन अस्मिता की बात पर तो टिका हुआ है और उसको बहुत गंभीरता से लेता है और उसके लिए लड़ता भी है, लेकिन अब अस्तित्व का जो प्रश्न आ गया है, जहां रोजी रोटी और कपड़ा मकान और जो बुनियादी शिक्षा और चिकित्सा जैसी जो जरूरतें हैं, उन सवालों पर अभी तक हम कुछ ठोस कोई कार्य योजना नहीं बना पाए, और उसके लिए कोई बड़ा एक आंदोलन जो देशव्यापी बनना चाहिए, मुझे लगता है कि वो बनाने की स्थिति में भी हम नहीं रहे हैं। ये एक बड़ी विफलता के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। अंबेडकरवादी आंदोलन अब जो पूरा स्थितियां देख रहे हैं हम, खासतौर पे ये 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उसके रिजल्ट के बाद और उससे पहले भी, लगभग 1 दशक का अगर हम अंबेडकरवादी राजनीति पर अगर हम दृष्टिपात करें तो वहां ऐसा लग रहा है कि जैसे राजनीतिक विमर्श से लगातार हम गायब होते जा रहे हैं, और ये जो राजनीतिक पतन, इसको मैं कहता हूं, ये गंभीर स्थिति पैदा कर रहा है। यूं तो कहने के लिए अंबेडकर और बहुजन नामधारी दर्जनों पार्टियां
रजिस्टर्ड है चुनाव आयोग में भी, और जब चुनाव होते हैं तब भी विभिन्न नामों की पार्टियां भी आती है और वो कंटेस्ट भी करती है, लेकिन उनका ज्यादातर ध्यान इस चीज पर है कि वो एक दूसरे पे कीचड़ उछालने लगे हुए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे रहते हैं, और राजनीति की उन्होंने एक ऐसी भाषा निर्मित कर ली है, एक ऐसा विमर्श रच लिया है जिससे अंबेडकरवादी जो समुदाय है, समाज है, वो एक किस्म की राजनीतिक उदासीनता की स्थिति में चला जा रहा है। उनमें जो एक राजनीतिक उत्साह होना चाहिए, एक राजनीतिक शिक्षण की जो जरूरत वहां है, वो पूरी तरीके से वहां से सिरे से गायब है। और लोग एक दूसरे को, अगर कोई भी व्यक्ति बहुजन नामधारी किसी दल में नहीं है और किसी सोकार्ड मुख्यधारा की किसी पार्टी में है, तो उसको सीधे सीधे चमचा कहा जाएगा, भड़वा कहा जाएगा, तलवे चाटने वाला कहा जाएगा, पालतू तीतर कहा जाएगा। ये सब चीजों ने, इस भाषा ने लोगों के भीतर एक राजनीति के प्रति उदासीनता पैदा की है। और मुझे इसमें ये भी जोड़ना है कि ये जो पूरा ईवीएम को लेकर के जो हल्ला है, हर चुनावी विफलता के पश्चात ईवीएम को लेकर के जिस तरह की बातचीत अंबेडकरी आंदोलन के भीतर से उठती है, वो भी एक तरीके से समाज के भीतर का जो राजनीतिक विमर्श है उसको कमजोर कर रहा है। क्योंकि लोगों के दिमाग में अगर ये बैठ गया है, और ये लगभग सुनियोजित तरीके से 20 सालों से बिठाया ही जा रहा है कि ईवीएम सेट है और कुछ भी नहीं हो सकता है, ये तो सब परिणाम ऐसे आएंगे ईवीएम के वजह से, तो अगर ईवीएम ही सब कुछ करेगी तो फिर लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि फिर हम क्यों कुछ करें, क्यों मेहनत करें। तो ये सब चीज भी एक तरीके से अंबेडकरवादी आंदोलन के राजनीतिक विमर्श को कमजोर कर रही है और एक 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 तरह की निराशा पैदा कर रही है, इसको भी फिर से देखने की जरूरत है। अगर हम ये देखें तो डॉक्टर अंबेडकर 1921-22 में एक तरीके से धरातल पर उतरे और उन्होंने संघर्ष शुरू किया, ज्ञापन देने शुरू किए, और फिर वो निरंतर उनका सारा बढ़ता गया। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो ये समय अंबेडकरवादी आंदोलन का 100 साल का समय है। तो एक विचारधारा है यहाँ 95-96 साल की, और वो देश पर प्रचंड रूप से काबिज हो गई है, और दूसरी तरफ एक समतावादी, समतामूलक समाज की, मानवतावादी विचार की जो पूरा मूवमेंट है वो हास्य पर सर गया है। तो ये जो परिस्थिति है, इन परिस्थितियों पर रुक करके कोई चिंतन अभी भी नहीं हो पा रहा है, और अभी भी ऐसी चीजों में लोग उलझे हुए हैं, अभी पहचान को लेकर के, संबोधन को लेकर के शब्दों की लड़ाई। मैं अक्सर अभी भी देखता हूं कि लोग इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि दलित शब्द इस्तेमाल किया जाएगा या बहुजन किया जाएगा, मूल निवासी किया जाएगा या अनुसूचित जाति किया जाएगा, यह संवैधानिक शब्द है या असंवैधानिक शब्द है। तो शब्दों के लिए अभी भी लड़ रहे हैं, जबकि वक्त के साथ कई प्रकार के शब्द आए, किसी दिन ये अंत्यज थे, किसी दिन शूद्र थे, किसी दिन अछूत कहलाए गए, कोई एक समय आया कि हरिजन नाम दिया गया, फिर उन्होंने अपने लिए दलित शब्दावली ढूंढी, फिर वो और आगे बढ़े तो एक बहुजन समीकरण बनाया गया। तो हर दौर का अपना एक शब्द है, कोई एकेडमिक शब्द है, कोई संवैधानिक शब्द है, कोई कुछ और है, कोई प्रशासनिक शब्द है, लेकिन बहुत ऊर्जा इस चीज के लिए लगाई जा रही है कि हमें कौन सा पहचान, कौन सा एक शब्द होना चाहिए, और उसको लेकर के लोग अभी भी लड़ रहे हैं। तो ये किस्म का ऊर्जा का अपव्यय है। एक और चीज जो पूरे अंबेडकरवादी आंदोलन में अक्सर दिखाई देती है कि वो अभी भी हिंदू धर्म ग्रंथों के मोहजाल से छूटे नहीं है, और जो बाहर निकल गए हैं, धर्मांतरण कर लिए हैं, वो भी रात दिन लगे पड़े रहते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों के पुनर्पाठ करने में कि वहां ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये श्लोक ये कहता है। मुझे लगता है कि ये पूरे समाज की ऊर्जा का अपव्यय है। जब हमें मालूम है, और ये मालूम हो चुका है एक तरीके से पेरियार से लेकर के फुले और अंबेडकर तक, सब लोगों ने, और उसके बाद एलआर बाली जैसे चिंतकों ने इन पर खूब व्याख्या कर दी, खूब लिख दिया, मुद्रा राक्षस जी ने भी लिखा इन सारी चीजों को लिखे, तो अब और क्या बच गया है जिसका हमें और शल्य क्रिया करनी चाहिए या खोज खोज के ला करके समाज के बीच में देना चाहिए। मुझे कई बार लगता है कि मनुस्मृति जितनी दूसरे मनुवादी नहीं पढ़ते हैं उससे ज्यादा तो हम लोग पढ़ते हैं, गीता भागवत वेद वगैरह वगैरह ये सब चीजें, वो जितना उसका
नहीं कर रहे हैं पाठ, उससे ज्यादा हम पाठ कर रहे हैं। और इससे मिल क्या जाने वाला है? जब हमने तय कर लिया कि ये रास्ता हमारे लिए माकूल नहीं है, हमें ये घर छोड़ना है, ये रास्ता छोड़ना है, ये गांव छोड़ना है, फिर उसकी बात ही क्यों की जानी है? उसके लिए क्यों एक क्षण भी बर्बाद करना चाहिए? लेकिन पूरे मोमेंट में ये एक अजीब किस्म का ये चल रहा है कि हम सुबह उठ करके सारा सब कुछ ये देखते हैं कि किसी जाति को लेकर के, या तो उसको लेकर गाली देना शुरू करते हैं, या फिर किसी धर्मग्रंथ को लेकर के उसकी आलोचना शुरू करते हैं। लेकिन इस सब में जो हमारा समय जाया हो रहा है वो बहुत कीमती समय है, और उसके लिए अम्बेडकरवादी आंदोलन को जरूर सोचना चाहिए कि क्या ये ठीक है या ठीक नहीं है। अम्बेडकरवादी आंदोलन एक तरीके से इतिहास के उत्खनन में भी अपनी बहुत ऊर्जा खराब कर रहा है। मुझे लगता है कि एक समय के लिए समुदायों को कॉन्फिडेंस देने के लिए इतिहास और ये सब चीजों पर जरूरी है कि काम किया जाए, लेकिन वो हो चुका पर्याप्त रूप में। लेकिन हर दिन एक नया इतिहास खोज के लाया जा रहा है, और उसमें बहुत अजीब सी परिस्थिति भी निर्मित हो रही है। कोई एक तरफ से ला रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर की हत्या हुई थी, कोई कहीं से ला रहा था कि रविदास की हत्या हो गई थी। एक कॉन्स्पिरेसी थियरीज समाज में बड़ा काम कर रही है, जगह जगह से ऐसी चीजें खोज खोज के ला करके, और उससे इतना दिग्भ्रमित होता जा रहा है समाज कि उन्हें पता नहीं चलता है कि वो महापरिनिर्वाण दिवस मनाए या शहादत दिवस मनाए डॉक्टर अंबेडकर का। क्योंकि एक तरफ कोई हत्या की किताब लिख के ला रहा है, कोई कुछ और चीजें लिख के ला रहा है, और इन इन, इन ये जो इतिहास का उत्खनन है उसने अजीबो गरीब हास्यास्पद स्थिति भी पैदा की है। क्योंकि हम कई बार राम को, रामायण को, इन सब चीजों को काल्पनिक कह रहे हैं, और उसी समय में हम ये भी कह रहे हैं कि राम ने शंभूक का वध किया था। शंभूक असली है और राम नकली है, एकलव्य असली है और कृष्ण नकली है। तो ये जो कभी दीप दानोत्सव, दिवाली को दीप दानोत्सव कह करके हम उसका एक इतिहास लिख रहे हैं, कभी हम होलिका का इतिहास लिख रहे हैं, कभी महिषासुर में हम कोई और चीजें खोज रहे हैं, तो ये जो सारे चीज हैं, ये जो सारे प्रतीक हम उठा रहे हैं, ये जो नए किस्म का इतिहास बनाने की जो हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक गंभीर परिस्थिति पैदा कर रहा है। इसकी जरूरत नहीं है। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम हमारी अपनी एक ब्राह्मण संस्कृति के बरक्स श्रवणों की एक अपनी संस्कृति रही है, तो उसका अपना इतिहास है। उसको कोई और इतिहास खोजने की, किसी की नकल करने की, या किसी और चीजों को कॉप्ट करने की कोई जरूरत मैं महसूस नहीं करता हूँ। वर्तमान के अम्बेडकरवादी आंदोलन में कहीं कुछ, मैं व्यक्तियों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर मैं प्रवृत्तियों पर जरूर कहना चाहता हूँ कि ये इस समय का जो जो विजिबल अम्बेडकरवादी आंदोलन है, उसमें जो पितृसत्ता की प्रवृत्तियां बढ़ रही है या बहुत गहरे में बैठी हुई है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। दलित स्त्री की मुक्ति के जो सवाल है, या अम्बेडकराइट मूवमेंट में दलित महिलाओं की जो स्थिति है, उसको लेकर के कोई गंभीर बहस भीतर से नहीं उठ रही है। कुछ कुछ दलित महिला आंदोलन ने, दलित वुमेन्स फाइट ने, या ऐसे कुछ संगठनों ने कुछ बातें उठाई है, लेकिन वो भी बहुत बहुत ही बहुत छोटा हिस्सा है जो वो बात, उसने कोई बड़ी बहस को जन्म नहीं दिया है। मुझे लगता है कि आजकल गले में नीला गमछा या माथे पर पगड़ी के रूप में नीला गमछा लगा करके, टावल लगा करके, और मूछें तानते हुए, मूछों पर हाथ रखे हुए और भुजाओं को दिखाते हुए जो एक युवक नजर आते हैं, और उससे ऐसा लगता है कि जैसे ये सफल दलित अंबेडकरवादी आंदोलन के प्रतीक के रूप में ये जो जो दिखाई दे रहा है, मुझे इसमें गंभीर खतरा नजर आता है। क्योंकि अंततः पितृसत्ता जो है वो जाति को भी मजबूत करेगी, सांप्रदायिकता को भी मजबूत करेगी, और पूंजीवाद को भी मजबूत करेगी। तो दलित आंदोलन को या अंबेडकराइट आंदोलन को स्त्री आंदोलन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, महिला आंदोलन से सीखने की जरूरत है, और अपना एक महिलावादी पूरा एक चेहरा बनाने की भी जरूरत है। महिलावादी आंदोलन के जो तत्व हैं वो अंबेडकरवादी आंदोलन के जरूरी तत्व बने, इस दिशा में काम करने की जरूरत है। नहीं तो ये हमारा आंदोलन भी एक नवसामंती नवब्राह्मणवादी आंदोलन बन के ही रह जाएगा। उसकी भी एक खतरा मुझे नजर आता है। एक जो चीज अभी दिखाई देती है कि
सारी क्रांति वर्चुअल क्रांति चल रही है। हम भी अभी एक तरीके से वेबिनार ही कर रहे हैं, लेकिन सारा कुछ सालों से इसमें सिमट गया कि आप फेसबुक पर कुछ लिख दे रहे हैं, व्हाट्सएप पर कट पेस्ट और फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, और ट्विटर पर कुछ डाल दे रहे हैं, तो उसके लाइक्स, उसके रिट्वीट और उसके शेयर से हमको लग रहा है कि यह आंदोलन बहुत बढ़ गया है। और कई सारे दलित बहुजन चिंतक ये विमर्श ये भी एक तरीके से देते आए हैं कि चूंकि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो सवर्ण वर्चस्ववादी लोगों के कब्जे में रहा है, वहां हमारी आवाज नहीं उठी, तो ये हमें एक मौका मिल गया कि हम सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज को बुलंद कर सकें, और ये हमें अपने समाज को जगाने का अवसर मिला है। मुझे लगता है कि आंशिक रूप से इसमें सत्यता भी है कि इसके जरिए कनेक्ट बढ़ा है लोगों का आपस में, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो ताकतें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर काबिज हैं वो इतनी मासूम और इतनी कम समझदार ताकतें नहीं है कि वो ये नहीं जानती हो कि सोशल मीडिया का क्या उपयोग संभव है। हम अपने समुदाय को या अंबेडकरवादी विचारों को फैला सकें या उस आंदोलन को, उस चेतना को बड़ा कर सकें, उससे कहीं ज्यादा वहां पर एक पूरी नफरत और एक कट्टरता का जो पूरा विचार परोसा जा रहा है वो हमारे आंदोलन को भी प्रभावित कर रहा है, हमारी भाषा को भी प्रभावित कर रहा है, और अंबेडकरवादी आंदोलन में भी उस किस्म की कट्टरता और नफरत की भाषा कई बार नजर आती है। क्योंकि कोई अगर ये लिखता है कि कट्टर अंबेडकरवादी, तो मुझे कई बार लगता है कि कट्टरता और अंबेडकरवाद का क्या रिश्ता हो सकता है। अगर कोई प्रखर अंबेडकरवादी लिखे तो वो फिर भी समझ में आता है, लेकिन कट्टर अंबेडकरवादी क्या, ये कट्टर अंबेडकरवादी कहाँ से आया, या ये जय 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 श्री राम जो कहते रहे लोग, और आज हम जो जय 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 भीम जिस टोन में बोल रहे हैं, ये टोन कौन दे रहा है, ये एजेंडा हमारा कौन सेट कर रहा है। तो ये जो वर्चुअल मीडिया है और एक्चुअल जो समाज है उसके भीतर में ये वर्चुअल क्रांति जो है ये एक्चुअल में एक भ्रांति निर्मित कर रही है पूरे समाज में, और कई बार लगता है कि बहुत कुछ बदल गया है। मैं कई सारे आंदोलनों का हिस्सा रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि कई बार एक पोस्ट जब हम लिखते हैं कि ये अन्याय अत्याचार का कुछ हो गया है और यहाँ पहुंचना है, तो सैकड़ों लोग उसके नीचे लिखते हैं कि हाँ हम रवाना हो गए हैं, हम पहुंच रहे हैं, लेकिन आप मौके पर जाइए तो इतने कम लोग नजर आते हैं। तो वो जो रवाना हो गए वो पहुंचे ही नहीं, वो आखिर क्या है? दरअसल सबको ही केवल वहां अंगूठा दिखा रहे हैं, लाइक लगा रहे हैं और रवाना होने की बात कर रहे हैं, लेकिन रवाना कोई हो नहीं रहा है। तो ये जो सोशल मीडिया पर एक किस्म की कदम ताल चल रही है वो भी अंबेडकरवादी आंदोलन को कमजोर कर रही है, क्योंकि उससे पहले हम ये देख रहे थे कि कैडर बन रहा था, कैडर निर्माण हो रहा था, गांवों में मीटिंगें हो रही थी, शहरों में आंदोलन हो रहे थे, ये जो आंदोलन से लोग निर्मित हो रहे थे या कैडर निर्माण हो रहा था कैडर क्लासेस के जरिए, या जब लोगों के बीच में साहित्य पहुंच रहा था, नुक्कड़ सभाएं हो रही थी, नुक्कड़ नाटक हो रहे थे, गीत बनाए जा रहे थे, वो सब चीजें एक तरीके से खत्म होती जा रही है और सब कुछ सिमट के रह जा रहा है एक फोटो में, 35 सेकंड की रील में, और उससे जो कुछ बन रहा है वो बन कम रहा है और बिगड़ ज्यादा रहा है। और मुझे ये भी कई बार लगता है कि सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पे उन्हीं सवर्ण वर्चस्व के लोगों का अभी भी पूरा कब्जा है, और वो उतना ही हमको दिखाते हैं, उतना ही हमारी रीच करते हैं जितना उनको करना होता है, उससे ज्यादा अभी हम वहां पर भी बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है। तो ये जो आभासी संसार के जो खतरे हैं उसका पूर्वाभास करने में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अंबेडकरवादी आंदोलन अभी तक विफल है। पूरा एजेंडा सेट है इसका, और कोई न कोई हमको सुबह एक चीज पकड़ा देता है, दिन भर हम उसकी प्रतिक्रिया करते हैं, और शाम होते होते फिर कोई और पकड़ा देता है, इस पे ट्रेंड करो, उस पर लाइक करो, इसको शेयर करो, ये सब जो चल रहा है ये सब खतरनाक स्थिति में पहुंचता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये वक्त है अंबेडकरवादी आंदोलन को ठहर कर सोचने की जरूरत है, उसे एक निर्मम आत्मालोचना की जरूरत है,
वो खुद भी करें और वो दूसरों की आलोचना भी सुने, क्योंकि हमारे यहाँ आलोचना को सीधे सीधे निंदा और स्तुता के रूप में लेने की बहुत प्रवृत्ति है। तो हम दूसरा कोई आलोचना करेगा तो हम कहेंगे कि तुम आलोचना करने वाले कौन हो, तो तुम तो फला समुदाय में पैदा हुए हो, तुम्हें तो ये हक ही नहीं है। ये जो हमारा कैंसल, ये पूरा जो खारिज करने की प्रवृत्ति है, तो हम तुरंत खारिज कर देते हैं। और हमारे भीतर में कोई आलोचना उठना शुरू होती है तो फिर हम ये कहते हैं कि ये तो उनके एजेंट है, ब्राह्मणों के एजेंट है, सवर्णों के एजेंट है, उनके तलवे चाटने वाले लोग हैं। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति अंततः हमारे लिए बहुत भयानक हो जाएगी। हम अपने ही आंदोलन के भीतर आ रही विकृतियों को और वैसी ऐसी प्रवृत्तियां जो हमें नहीं चाहिए, जो कतई अम्बेडकर आंदोलन का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, उनके प्रति भी सावचेत नहीं हो पाएंगे। तो ये वक्त है कि हम आत्मालोचना भी करें और बाहर की आलोचनाओं को भी एक तरीके से उनको भी आमंत्रित करें और स्वीकार करें। अब समय आ गया है कि अंबेडकरवादी जो आंदोलन है वो पिछले अनुभवों को, ये जो अतीत में बार बार हम झांक रहे हैं, उस अतीत के अनुभवों को और आज की जो चुनौतियां हैं उनको देखते हुए भावी जो हमारा आंदोलन कहाँ जाएगा, क्या स्थिति रहने वाली है और उसे क्या करना चाहिए, उसके लिए एक महत्वपूर्ण विजन डॉक्यूमेंट हम मिलके तैयार करें, सारे लोग उसमें जुटें और उसे हम चाहे अंबेडकर मैनिफेस्टो कहें, चाहे दलित विजन डॉक्यूमेंट कहें, कोई भी नाम दें, लेकिन एक एक ऐसी चीज हमें समाज के भीतर रखनी पड़ेगी कि हम आर्थिक स्थिति में हमारा आर्थिक मोर्चे पर हमें कहाँ होना चाहिए, सामाजिक लड़त में हमें क्या चीजें ध्यान रखनी है और जो बाकी चीजें हो रही, राजनीतिक रूप से हमारी क्या विचार होना चाहिए या हमारा क्या भूमिका होनी चाहिए, ये सब चीजों के लिए अंबेडकरवादी आंदोलन को एक नया तरीका अपनाना पड़ेगा। क्योंकि कई सालों पहले जो संगठन निर्मित हुए उनके भाषण 1974 में भी वैसे ही थे, 1994 में भी वैसे ही थे और 2024 में भी अगर वैसे ही होने वाले हैं तो ये मुझे लगता है कि क्योंकि समाज तो पूरा बदल गया है, 3-4 जनरेशन आ गई है और आज जो लोग हैं वो ये जो जनरेशन है ये बिल्कुल अलग किस्म की जनरेशन है, उसमें अलग ऊर्जा है। तो इसके लिए क्या चीजें बनाई जा सकती है और लंबे समय के लिए तात्कालिक क्या चीज हो सकती है और दीर्घकालिक क्या कार्य योजना हो सकती है, उस दिशा में एक सुचिंतित कार्य योजना बनाने की बहुत जरूरत है और उसको धरातल पर उतारने के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट हम बना सकें तो वो बहुत ही जरूरत होगी। वरना तो ये जो अतीत की कटु स्मृतियां हैं उसका दारुण विलाप जो हम हर मंचों पे करते हैं, 5,000 साल के पीड़ाओं का जो आख्यान हम रचते हैं, वो रोज रोज हम वही करते रहेंगे और वो सब करते रहने से काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि आज के समय जो चुनौतियां हैं ये पहले कभी नहीं थी। आज जिस तरह का हम सारी चीज देख रहे हैं, वो चाहे आजीविका के सवाल हो, चाहे आरक्षण के सवाल हो, चाहे एट्रोसिटी के सवाल हो या डिग्निटी के सवाल हो, ये सवाल इस रूप में पहले कभी नहीं थे। सवाल तो सब थे लेकिन आज विकराल रूप में है। आज जिस संविधान की हम सर्वाधिक गुणगान कर रहे हैं और जो लोग संविधान को चूम रहे हैं और संविधान की आरती उतार रहे हैं, वो संविधान को भीतर ही भीतर खत्म भी कर रहे हैं, खोखला कर दिया उन्होंने और उसको उसको एक पूजनीय किताब के रूप में वो सदैव बनाए रखेंगे। अंबेडकर को भी पूजनीय बना करके, वंदनीय बना करके, मूर्ति के रूप में उसकी पूजा पाठ हो सकता है, उसके मंदिर बन जाए, उसमें भी पंडित नियुक्त हो जाए, ये सब भी चलता रहेगा। लेकिन अंततः इस समाज के जो सारे विचार हैं, इस आंदोलन के जो मूल्य हैं, वो उनका निरंतर क्षरण हो रहा है और वो एक भयंकर चुनौती का सामना ये समाज भी कर रहा है, ये विचार भी कर रहा है और ये आंदोलन भी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक वक्त है जब हम विगत की विक्टिमहुड से बाहर निकलें, एक आत्मविश्वास के साथ एक ऐसा अंबेडकरवादी आंदोलन बनाएं जो एक समावेशी आंदोलन हो, वो एकांतिक नहीं होना चाहिए, उसमें कैंसिलेशन और ये खारिज करने की
जो पद्धति है कि कोई और हमने जो जाति के आधार पर लोगों को देखना शुरू कर दिया है, ये बिल्कुल मनुवादी नजरिया है कि हम भी जाति के खिलाफ लड़ते लड़ते हम भी जाति देख करके लोगों के बारे में राय बनाना शुरू करते हैं और हम ये तय करते हैं कि हमारे आंदोलन का कौन हिस्सा होगा या नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये वक्त है जब तमाम उत्पीड़ितों का एका बनाने की जरूरत है, तमाम लोग जो किसी भी समुदाय से आते हैं और वो अगर पीड़ा में है, वो अगर सफर कर रहे हैं सब चीजों का और वो हाशिए पे धकेले जा रहे हैं, उनके नागरिक अधिकारों को छीना जा रहा है, तो हम को और अम्बेडकरवादी आंदोलन को उनके पक्ष में पूरी ताकत के साथ खड़े होने की जरूरत है और हम एक ऐसा आंदोलन बनाएं जो लोकतांत्रिक हो, प्रगतिशीलता के मूल्यों पर आधारित हो और उसका रास्ता संविधान से ही होकर गुजरता हो, न कि किसी हिंसा, नफरत या भेदभाव से। तो एक नए अम्बेडकरवादी आंदोलन की जरूरत है जो जिसमें बुद्ध की करुणा हो, कबीर, रविदास, पुले फेरियार और अम्बेडकर के तमाम वो मूल्य उसमें हो, उसमें उन चीजों पर हम देखें कि जहां जिन जिन खतरों के प्रति इन सब लोगों ने हमें सावचेत किया, उन सब चीजों पर बात करते हुए, उन पर चिंता करते हुए मुझे लगता है कि हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद CSDS का कि आपने बात करने का अवसर दिया, और अगर अब कुछ सवाल हैं तो हम उस पर बात कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया श्री भंवर मेघवंशी साहब, बहुत ही सुलझे हुए ख्यालात हैं आपके, और जाहिर है कि बहुत संक्षेप में आपने न सिर्फ वर्तमान दशा दिशा पर बात की अम्बेडकरवादी आंदोलन की, बल्कि भविष्य एक भविष्य के सपने, भविष्य के एक नए सपने, नए विजन, नए स्वप्न और नई राजनीति को डिजाइन करने की आवश्यकता पर आपने बल दिया है, और उस हद तक आपसे असहमति की कोई गुंजाइश हो नहीं सकती है। लेकिन हमारे साथियों के बीच से कुछ सवाल आ रहे हैं, हम उन सवालों को लेंगे। मैं फिलहाल अपने सवाल मुलतवी रखता हूं और प्रवीण से कहता हूं सबसे पहले पहला सवाल पूछने के लिए, फिर निशिकांत जी। हेलो, शुक्रिया भंवर जी इस बात अपनी बात रखने के लिए। दो तीन चीजें हैं मेरे पास छोटे से सवाल के रूप में, जब आप बोल रहे थे वो मेरे को एको हो रही थी दिमाग, जो आप बोल रहे थे उसी को मैं दूसरे संदर्भ में देखकर रखकर समझने की कोशिश कर रहा था। जैसे दलित आंदोलन समकालीन परिदृश्य के बारे में बात करते हुए आपने सभी सारी बातें या तो ज्यादातर बातें आत्मालोचना की कही, भाई हमें ये करना चाहिए, आत्मालोचना की जरूरत है, EVM का विमर्श गलत है, इतिहास खोजन में लोग समय जाया कर रहे हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों का महिमा मंडन हो रहा है, हमको कमजोर कर रहा है, वर्चुअल आंदोलन हो गया है, इस तरीके का। तो मैं ये सोच रहा था कि पहचान की राजनीति में दबंग जातियां जो अपने पहचान की राजनीति कर रही हैं, वो भी इन्हीं चीजों का इस्तेमाल कर रही है। मैं एक उदाहरण दूंगा कि हरियाणा और पंजाब में जहां मैं रिसर्च कर रहा हूं जाटों के ऊपर, या जो एग्रेरियन कम्युनिटी है, जो भू मालिक कम्युनिटी है, वो भी इस तरीके का एकदम डिटो डिस्कोर्स पैदा हो रहा है वहां भी कि भाई स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, हमको वर्चुअल मीडिया में नहीं जाना है या हम जाना। हाँ, तक अंबेडकरवादी आंदोलन बात है, मैं ये सोच रहा था कि इसके अलहदा एक पॉजिटिव नोट पे कि हमको आज के परिप्रेक्ष्य में किन चीजों पर अटैक कर, किन चीजों के बारे में इस तरीके की धारा को पहचान की राजनीति में लगातार चलती भी रहेंगी, वो आवाज कट रही है। हेलो, हाँ आ रहे। तो आत्मालोचना तो ठीक है, वो आत्मालोचना तो दबंग जाति की राजनीति में भी होती है, इसमें नई बात क्या है, मैं थोड़ा उसमें जानने की।
आप एक और सवाल ले लेते हैं निशिकांत जी से, है ना? हेलो, नमस्कार भंवर जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, आपको देखकर सुनकर, और बहुत ही स्पष्ट और सुलझा हुआ आपका वक्तव्य था। अब मेरे दो तीन चीजें थी मैं प्रश्न के रूप में आपके सामने रखना। पहला, मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो विरोधाभास आपने जो बनाया है, वो मैंने कहीं और जगह भी सुना हूँ कि जो पूजनीय अम्बेडकर वर्सेस पठनीय अम्बेडकर, मेरे हिसाब से ये विरोधाभास नहीं, दोनों की आवश्यकता है। पूजनीय अम्बेडकर का अपना एक सांस्कृतिक महत्व है, लोगों को जोड़ने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए, उनकी अपने एक मूर्ति वाला अम्बेडकर भी लोगों को डराने के लिए बहुत आवश्यक है। तो पूजनीय अम्बेडकर वर्सेस पठनीय अम्बेडकर नहीं करके पूजनीय अम्बेडकर और पठनीय अम्बेडकर, दोनों की हमें जरूरत होना चाहिए, मैं ये एक सोचता हूँ। दूसरा, एक ये मेरा कुछ और चीज मेरे दिमाग में चल रही थी जब मैं आपको सुन रहा था। मेरे एक मित्र हैं, बड़े आदरणीय मित्र हैं, उन्होंने एक बात कही थी, वो उससे मैं अभी भी रिकंसाइल नहीं कर पाया। उन्होंने ये कहा कि आप तथाकथित उच्च जाति के वर्गों के लोगों को देखिए, वो सभी तरह के आंदोलन में मिलेंगे, वो मार्क्सिस्ट आंदोलन में भी मिलेंगे, दलित आंदोलन में भी मिलेंगे, अग्रेडियन जिस भी आरएसएस के साथ भी मिलेंगे, कांग्रेस के साथ भी मिलेंगे, उनको अपने समाज के प्रति प्रतिबद्धता किस आंदोलन के साथ या पार्टी के साथ आप एफिलेटेड हैं, उससे उनके समाज के प्रति उनको प्रतिबद्धता दिखाने में कोई फर्क नहीं, समाज उन पे प्रश्न नहीं करता इस चीज को। लेकिन बोले हमारे दलित बहुजन आंदोलन के साथ ये समस्या है कि आप वो चाहते हैं कि एक ही विचारधारा से जुड़े रहे, एक ही तरह से लड़ाई लड़े, इधर उधर भटके कि समाज जो है आप पे आरोप लगाने लगता है कि आप, तो क्या आपको लगता है कि ये स्पेस होना चाहिए, ये ठीक रहेगा या नहीं कि आप दूसरे, जब तक आप अहिंसा की, जब तक आप हिंसा की, घृणा की राजनीति नहीं, जैसे आपने भी कहा कि कट्टरवाद की तो संभावना अंबेडकरवाद में भी है, लोग ढूंढ लेते हैं, जब तक आप कट्टरवाद, हिंसा, घृणा की बात ना करें, इसके अलावा क्या हमको ये स्पेस देना चाहिए हमारे दलित समाज को, बहुजन समाज को, कि लोग दूसरे आंदोलन से भी जुड़कर जो है इस मतलब उन मूल्यों को मजबूत करें जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मेरे दो प्रश्न, धन्यवाद। उठा हुआ हाथ सुधीर मस्के साहब का है, लेकिन मैं एक सवाल मैं अपना भी पूछ दूं लगे हाथ, उसके बाद आप सुधीर मस्के साहब के पास हम लोग जाएंगे। मैं भी जरा एक तरह से विस्तार देना चाहता हूँ निशिकांत जी की बात का, कि ये जो बाइनरी है पूजनीय और पठनीय का, क्योंकि मैं सिनेमा का विद्यार्थी हूँ तो मैं ये सवाल अपने विद्यार्थियों से अक्सर पूछता हूँ कि ये जो फिल्मों में आप देखते हैं महात्मा गांधी का और नेहरू जी का और सुभाष चंद्र बोस का और तमाम लोगों को देखते हैं, उनकी तस्वीरें चाहे वो दफ्तर हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो पुलिस का थाना हो, सब में आप देखते हैं उनकी तस्वीरें। और ये पूछने लायक बात हुई कि भाई कब से अंबेडकर दृश्यमान होते हैं सिनेमा के पर्दे पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि है नहीं, अंबेडकर वादी राजनीति को लेकर के तनाव नहीं है या सिनेमा जाति के सवाल को नहीं उठाता, उठाता अपने ढंग से उठाता है, लेकिन वो तस्वीर गायब है काफी समय तक अंबेडकर की। तो जो बात निशिकांत जी कह रहे हैं कि वो मूर्ति का होना अपने आप में है? जैसे मैं अपने अपने जीवन से उदाहरण दूं आपको, मैं हरिजन स्कूल में पढ़ता था, मेरे पिताजी पढ़ाते थे, तो पहला भाषण जो मैंने दिया था वो अंबेडकर के जन्म दिवस पर ही दिया था, 14 अप्रैल जो अभी गुजरा है, लेकिन वो जोड़ करके किससे कि दिनकर के साहित्य में क्या है जाति का सवाल क्या है या अछूत अछूतोद्धार का सवाल क्या है, ये जबान थी ना उस समय, अछूतोद्धार का सवाल क्या है। लेकिन उसके बाद जब मैं जैसे जैसे पढ़ाई करने लगता हूँ और जिस जमीन से आप भी आ रहे हैं, मैं वामपंथ में आता हूँ, वहां की राजनीति में सक्रिय होता हूँ, और वहां पर जाति का सवाल ऐसा लगता है कि गायब हो जाता है। और तो ये हमारे चाहे वो डिस्को चाहे वो विद्वत विमर्श हो, है ना,
इतिहास लेखन हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस का लेखन हो, चाहे हमारा हमारा जो जीवन था, चाहे वो राजनीतिक जीवन हो या क्लास का जीवन हो, उसमें एक तरह से हमने उसको नजरअंदाज किया, तो उस हद तक मैं सहमत हूँ कि वो उस मूर्ति का दृश्यमान होना और मौजूद होना अपने आप में, लेकिन उनको पठनीय भी बनाना है। जैसे हमारे दोस्त हैं और हमारे विद्यार्थी भी रहे हैं डॉक्टर रतनलाल हिंदू कॉलेज में, और वो अंबेडकर नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। अब ये बात यहाँ पर सोशल मीडिया से जुड़ जाती है, वहां पर जाहिर है कि अंबेडकर सिर्फ पूजनीय नहीं है, वहां पठनीय भी हैं, बल्कि उनको लगता है कि यूट्यूब का इस्तेमाल करके ही हम अंबेडकर को बेहतर पढ़ सकते हैं और अपना पाठ वो पेश कर रहे हैं, है ना, और अच्छी खासी उसको लोकप्रियता भी हासिल हुई है। इसलिए जो जो स्थिति है, चाहे वो मीडिया की स्थिति हो या मीडिया के जो इनोवेशन है हमारे चारों तरफ, उन सब से बचने का तो कोई मतलब नहीं है उसको, बल्कि इस बात में दम है कि उतनी आसानी से आप टीवी, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, मोहनदास नैमिष राय और कई जो चिंतक रहे हैं और एक्टिविस्ट किस्म के लोग, वो सपना देखते थे एक जमाने में कि हम एक दलित चैनल खोलेंगे, वो जाहिर है नहीं हो सका। और आज करके जो चैनल हैं, टीवी के चैनल हैं, उस पर किस तरह का प्रभुत्व है, किसका कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो साफ जाहिर है। तो एक जो आप कह सकते हैं कि एक सस्ता चैनल बन गया है ना, गरीबों का, मजलूमों का, उत्पीड़ितों का, जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिनको साथ लाने की जरूरत है। लेकिन क्या ये लड़ाई, चूंकि हर स्तर पे जाति के जरिए ही जा रही है, है? चाहे वो जाति को तोड़ कर जाए या जाति को जोड़ कर जाए, है ना, जाति के अंदर से ही ये लड़ाई को निकलना है, मुझे ऐसा लगता है। हम एब्स्ट्रैक्ट में ये लड़ाई लड़ते आ रहे थे, जाति को इग्नोर करके, नजरअंदाज करके, और वो हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, और वो वापसी उसका हो गया है। ये एक मुझे लगता है कि ये हम लोग की जो चिंता है हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी नौकरियां आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हमारे पब्लिक डोमेन में और बहुत समय तक। अब तो आरक्षण एक तरह से मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि नौकरियां ही नहीं है जहां आरक्षण हो सकते हैं, तो नौकरी का सवाल तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। इसलिए भी शायद क्योंकि राजनीति आज के डेट में, आज की तारीख में सबसे ज्यादा नौकरियां दे रही, सबसे ज्यादा मोबिलाइजेशन कर रही है, सबसे ज्यादा, और दोनों तरह के, उसमें परमानेंट नौकर भी हैं और गैर परमानेंट नौकर भी हैं, छोटे छोटे रोज के दिन 500 रुपया के लेकर के झंडा उठा करके पहुंचने वाले, रैलियों में पहुंचने वाले लोग हैं। तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर कहीं से आ रहा है तो वहां से आ रहा है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, उसके पास जनबल, बाहुबल सब कुछ है, लेकिन वो पैसे का बल भी है। तो ये जो चारों तरफ जो ये निराशा दिखती है ना, और जो रीडिफाइन करने की बात है अपने आप में सही है, लेकिन वो निराशा इसलिए भी दिख रही है कि लोगों को उस बड़ी ताकत से जूझने का कोई भविष्य में कोई उम्मीद नहीं दिख रही है ना, क्योंकि कास्ट की पॉलिटिक्स अब किसी की मोनोपोली नहीं रही ऐसा लगता है। हालांकि आपकी बात, आपकी रीडिंग, आपका पाठ बिल्कुल अपनी जगह पर सही है, लेकिन वो सबकी राजनीति अब हो गई है। वैसे ही जैसा आपने सही कहा कि अंबेडकर को लेकर आम आदमी पार्टी भी घूम रही है, अंबेडकर को लेकर के भाजपा भी घूम रही है, कांग्रेस भी घूम रही है, सभी घूम रहे हैं। और ये हमारा अंबेडकर कैसे आपके अंबेडकर से अलग होगा, ये एक बड़ी चुनौती, प्रतीकों का जो अंबार लगा है उस वहां पर एक हमारे सामने है। तो कुछ इस बारे में मार्गदर्शन आप कर सकें तो बहुत मजा आएगा। सुधीर मस्के साहब मौजूद हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं, उसके बाद आपको हम दावत देंगे। थैंक यू रविकांत सर एंड जय भीम भवर जी। मैं दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में पढ़ाता हूं और आपको सुना मैंने, और आपने काफी मुद्दे कवर किया आपके इस भाषण में। जितना मैं समझ पाया, आपने सामाजिक, राजकीय और आर्थिक, ये तीन इम्पॉर्टेंट पहलू पे, और उसने जो भी आलोचना हमारे आंदोलन की रही आज अंबेडकरवादी आंदोलन की, तो मुझे, मैं थोड़ा सा ये देख रहा था कि अभी तक अंबेडकरवादी आंदोलन की उपलब्धि भी है,
और उस उपलब्धि और फिर अभी का जो सैचुरेशन बोलेंगे इस मोमेंट का, या जो एक ठहराव या जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, इसमें एक मुद्दा मुझे जो छोटा हुआ लगता है वो बाबा साहब ने जो लास्ट के काल में किया वो धम्म का मुद्दा है। और धम्म का जो सांस्कृतिक जो मुद्दा मैं देखता हूँ उसको एक कल्चरल रिवोल्यूशन का मुद्दा था। और मुझे लगता है जब कन्वर्जन किया और उसके पहले बुद्धा एंड हिज धम्मा भी लिखा और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में भी वो लिखते हैं कि इफ नो कास्ट देन माय आइडल रिलीजन वुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी लिबर्टी एंड फ्रैटरनिटी। दूसरा उसमें ये भी लिखते हैं बाबा साहब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कि एक तो आपने इंटर कास्ट मैरिज वगैरह बोला, लेकिन बाबा साहब उसके बियॉन्ड जाके बोलते हैं कि कास्ट इज अ कंस्ट्रक्टेड नोशन एंड दैट नोशन वाज क्रिएटेड बाय द डोमिनेंट रिलीजन दैट इज द हिंदुइज्म। और उसके जो थियराइज करने वाले किताबें हैं, उसके शास्त्र पुराण हैं, उसको हम डिमिश कर दें, दैट इज द रेडिकल पोजीशन व्हिच इज प्रेजेंटेड बाय अंबेडकर इन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो मैं बावर जी ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक भी हम लोग बहुत सारी बात सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन तीन मुद्दों पे करते रहे, लेकिन कल्चरल जो एस्पेक्ट है, कल्चरल रिवोल्यूशन का मुद्दा है, वो बाबा साहब के लास्ट धम्म के आंदोलन मुझे जो पोजीशंस ली बाबा साहब ने, लेकिन वो बड़ी सोच समझ के पोजीशन मुझे, मैं उनको देखता हूँ एज अ वेरी प्रैग्मेटिक पर्सन, वेरी प्रैक्टिकल पर्सन आई टेक हिम। और उन्होंने जो भी बोला वो करके दिखाया, वो अपने जीवन में करके दिखाया। यदि वो एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते वो खुद को रोल मॉडल में प्रोजेक्ट करते हैं, यदि वो हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज किया तो बुद्धा को अल्टरनेटिव दे दिया, लेकिन उसके पहले कंपेरेटिवली रिलीजन को बहुत स्टडी किया और बुद्धा एंड हिज धम्मा भी लिखा और वो कन्वर्जन किया। उसके बाद मुझे लगता है कि क्यों ना हम दूसरा हमारा अपोजिट जो ग्रुप है या जिसको हम हमारी जिसके साथ काउंटर रिवोल्यूशन खड़ी है, वो तो ऑर्गेनाइजेशन हर वक्त बोलती है कि वी आर द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और उसने सांस्कृतिक रूप से ही आज तक वो काम करने की कोशिश की है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हमारे विमर्श में क्या हमने बाबा साहब का जो लास्ट जहां तक मूवमेंट लाके छोड़ी थी और वो बुद्धा का जो काम था आगे जाके, वो धम्म का जो काम था, और उसी से बाबा साहब आगे वो बोलते हैं कि भैया ये आई वॉन्ट टू मुझे जो लिबर्टी इक्वालिटी ये एक सोशल ऑर्डर के रूप में देखना चाहते थे, एक समाज में रोज का ऑर्डर बने, ये रोज के हमारे बिहेवियर का पार्ट बने जहां पे हम इन चीजों को मूल्यों को प्रैक्टिस कर सके। तो मैं चाहूंगा कि इस पे धमक के काम को लेके उस पे थोड़ा सा आपकी क्या राय है, क्या हमारा आगे का जो रास्ता है, क्या जैसे कि रविकांत सर ने बोला कि कास्ट के बिना हमारे अभी हर चीज से हम भले जोड़ने का भी काम है तो वो कास्ट से ही निकल रहा है, तो क्या हम बुद्धिज्म का जो काम है उससे कोई धारा निकल सकती है, उस पे आपकी थोड़ी सी राय, उसका आगे का फ्यूचर हमारा रोड मैप, मैं चाहूंगा आपसे उस पे थोड़ी सी बात हो, क्योंकि अपोजिट संगठन जो है करीब 1950-25 से लेके अभी वो लोग भी 2025 में 100 साल कंप्लीट करेगा, वो साइलेंटली ग्राउंड पे इन चीजों से काम तो करते रहा, लेकिन क्या हमारे अंबेडकरवादी आंदोलन से बड़ा डिस्कोर्स बुद्धिज्म से क्या हमने उस पे गहराई से सोचा नहीं, क्या हमने कभी उसको आ, 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 अपने काम का अहम हिस्सा बनाने की कोई कोशिश की नहीं, तो मुझे लगता है आप उस पे थोड़ी सी टिप्पणी आपकी रख सकते हैं। धन्यवाद रविकांत सर एंड भौर जी, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। जी भंवर जी, जी हाँ, तो बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, निष्कांत जी, रविकांत जी और सुधीर मस्के जी, आपने बहुत जरूरी सवाल उठाए। प्रवीण जी, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ कि वही डिटो डिस्कोर्स दबंग में, तो दबंग शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूँ क्योंकि पूरी तरीके से जो गुंडागर्दी पे उतरे हुए समुदाय है हर दृष्टि से, उनको दबंग कहना या वो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि कई बार दबंग में तो ऐसा होता है कि कोई अच्छे काम के लिए दबंग ही करता है, लेकिन ये तो ये जिस तरह के समुदाय अपने आप को दबंग कहलाते हैं और जो मीडिया भी उनको बार बार दबंगों ने ये दबंगई किया या यहाँ ऐसा किया, ये जो सारा हो रहा है ये दरअसल गुंडई है, दबंगई नहीं है। खैर, लेकिन ये बात सही है कि
मैंने अपनी बातचीत को एक तरीके से आत्मालोचना पर केंद्रित रखा, और वो जानबूझ करके इसलिए रखा कि और मुझे मुझे नहीं मालूम कि उनके बीच में क्या विमर्श चल रहा है। चूंकि आप वहां शोध कर रहे हैं तो आप आपका उनसे एक इंटरेक्शन जरूर होगा। हमारा यहाँ उनके साथ इंटरेक्शन उस रूप में है कि हमारा संघर्ष है सीधे सीधे तौर पे, तो मुझे नहीं मालूम कि वहां क्या चल रहा है। लेकिन चूंकि हमारे भीतर जो चीजें उभर करके आ रही है और जिसकी वजह से हम कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि हमारा जो आंदोलन है वो कहीं कमजोर हो रहा है इन सब चीजों को लेकर के, इसलिए उन सब चीजों पर मैंने अपनी बात कही। जहां तक पहचान की राजनीति का सवाल है या अस्मिता की पूरी इस राजनीति के उपयोग का सवाल है, मुझे लगता है कि आज की तारीख में इसका सबसे ज्यादा उपयोग आरएसएस के लोग कर रहे हैं, क्योंकि शायद हो सकता है कि एक समय पूरी अस्मितादर्शी राजनीति का उपयोग माननीय कांशीराम जी से लगा करके और बामसेव और तमाम संगठनों ने किया, लेकिन उसके बाद आफ्टर मंडल यही चीज पिछड़ी जातियों ने भी उसी रूप में उभारी, उनके भी अपने नायक उभरे, उन्होंने भी अपना इतिहास खंगाला, इतिहास लिखना शुरू किया और वही बातें वही जो हमारे बीच आई वो उनमें भी आई। और आज जो सब सर्वाधिक हो रहा है वो मुझे लगता है कि वो आरएसएस का खेमा इस सारी चीज को कर रहा है, जहां वो विभिन्न जातियों का नए सिरे से इतिहास लिख रहा है। वो दुश्मन बता रहा है कि कौन कौन सी दलित जातियां कहां से आई, खटीक हिंदू जाति का इतिहास लिखा उन्होंने, हिंदू वाल्मीकि जाति का लिखा, हिंदू चर्मकार जाति का लिखा, और तीनों इतिहासों को पढ़ते हुए मुझे लगा कि उनका पूरा उसका मूल तत्व एक ही है कि वो दुश्मन बदल रहे हैं। वो एक तो उस गिल्ट से अपने आप को फ्री कर रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, इस देश के सवर्णों ने आप लोगों के साथ कुछ नहीं किया, इसके जिम्मेदार न ब्राह्मण है न वो बाकी सवर्ण है, बल्कि इसके आज की छुआछूत भेदभाव और जो कुछ भी परिस्थितियां बनी या अनक्लेम्ड ऑक्यूपेशन में आपको जाना पड़ा, ये सारी चीजों का जो जिम्मेदार है वो मुगल है या आज के मुसलमान है। तो मुझे लगता है कि पहचान की राजनीति पूरी तरीके से एक दुधारी तलवार की तरह है और वो हर किसी को काटती रहती है। जो मजबूत होता है वो पहचान की राजनीति का अपने तरीके से उपयोग करता है। हमारे आंदोलन ने अपना उपयोग किया अपने तरीके से जब हम मजबूत रहे। आज मुझे लगता है कि पहचान की राजनीति अंबेडकरवादी आंदोलन को मजबूत नहीं कर रही है, बल्कि वो पहचान की राजनीति और नीचे चली गई है। हमने एक जो पहचान ली वो चाहे दलित के रूप में ली, चाहे बहुजन के रूप में ली या मूल निवासी के रूप में ली, लेकिन वो आज अनुसूचित जाति की उपजातियों की पहचान की राजनीति तक पहुंच गया है, और मैंने उस खतरे की तरफ इशारा करने के लिए ही पहचान की राजनीति पर चर्चा की कि अगर ये हमारा उपजातीय अस्मिताओं का उभार है और हमें एक दूसरे से ही संघर्ष करना है तो ये खतरनाक चीज है। चूंकि वर्तमान परिदृश्य जो है वो कोई, मैं बहुत निराशा के साथ ये सारी बात नहीं कह रहा हूं, पर मुझे लगता है कि कभी कभी जो चीजें हमारे भीतर आ रही है और वो तेजी से घर कर रही है उन पर बात करनी चाहिए, क्योंकि कोई और बात करेगा तो हम करने नहीं देंगे, लेकिन हम अपने भीतर भी बात नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा मुश्किल होगा। और चूंकि सभी समुदाय एक ही देश में रहते हैं, एक तरह के अखबार पढ़ते हैं, एक तरह की चीजें करते हैं, तो एक दूसरे पर चीजें असर तो करती है। मैं ये देखता हूँ कि राजस्थान में जो ओबीसी की जातियां करती है वो 5-4 साल बाद में अनुसूचित जातियां वैसा का वैसा ही करने लग जाती है, वो चाहे शिक्षा को लेकर करने की बात हो, चाहे प्रतिभा सम्मान समारोह की बात हो, चाहे मंदिरों में बड़े बड़े आयोजन करने की बात हो, चाहे पहनावे में हो, भाषा में हो, इन सब चीजों में असर आता है। तो ये तो सही है कि सो कॉल्ड जो दबंग जातियां उनके भीतर भी वो विमर्श शायद होगा, लेकिन हमारी चिंता, हमारा आंदोलन है, हमें तो अपनी चिंता करनी है कि हम क्या देख रहे हैं और किस तरह की चीजें हमारे भीतर चल रही है जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने अपने बातचीत को उस पर केंद्रित किया। मुझे लगता है कि निशिकांत जी ने जो बात कही वो पूजनीय वर्सेस पठनीय वाला, मैं कोई बाइनरी खड़ी नहीं कर रहा हूँ और नहीं ऐसा विरोधाभास प्रकट करना चाहता हूँ,
पर मेरा ये मानना है कि मूर्तियों के साथ, क्योंकि मूर्तियों की जो पूरी चीज चल रही है उसको भी मैं आपको आपको कहना चाहता हूँ कि पहले तो मूर्ति लगाने के आंदोलन करने पड़ते हैं हमको कि मूर्ति लगाओ मूर्ति लगाओ मूर्ति लगाओ, देन मूर्ति लग जाने के बाद में फिर मूर्ति बचाओ का अगला कदम चलता है, क्योंकि उस पर कोई कुछ फेंक गया, कुछ हाथ तोड़ गया, कुछ मूर्ति का अपमान हो गया। तो इन सारी चीज को लेकर के मैं जो फील्ड में देख रहा हूँ, आप एकेडमिक जगत में कुछ और वहां से देख रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ जो रोज देखता हूँ कि पहले तो ये कि मूर्तियां लगाने के लिए पूरी एनर्जी लगाई जा रही है, वो बहुत जरूरी चीज है कि मूर्तियां लगनी चाहिए, लेकिन अब मूर्ति लग गई तो फिर मूर्ति को लेकर के बचाने की बात, और ये मूर्ति लगाना बचाना और मूर्ति पर दो दिन जाना यही चीजें हैं, उसके बीच के दिनों में कोई वहां नहीं पहुंचता है, कोई उनको साफ भी नहीं करता है, और वो बिल्कुल मूर्तियां उपेक्षित सी वहां खड़ी रहती है। और मूर्तियां भी मैंने जैसा कहा कि वो प्रॉपर बाबा साहब की मूर्ति भी नहीं है, उनमें हाथ की उंगली ऐसे होती है जैसे बाबा साहब कह रहे हो कि सबका मालिक एक है, जबकि उनका संकेत कुछ और होगा उसमें कि वो लोकसभा विधानसभा की तरफ आपको दिखा रहे हैं। तो मुझे कोई एतराज नहीं है मूर्ति वाली सारी चीज में, मूर्तियां लगेगी भी, और कई सारे लोग जो नहीं पढ़ सकते नहीं लिख सकते हैं वो मूर्तियों से प्रेरणा प्राप्त करेंगे, चित्रों से प्राप्त करेंगे, लेकिन मेरा कहने का आशा यही था कि मूर्ति से आगे जाकर के हमें डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को पढ़ने और पढ़ाने की जरूरत है, उनको फैलाने की जरूरत है। तो इस दिशा में मेरा एक चीज था। मुझे ये आपने जो दूसरा सवाल उठाया ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल लगता है। मैंने अपनी बातचीत में भी ये कहा कि हम अक्सर हमारे लोगों को राजनीतिक विमर्श जब होता है तो समेट देना चाहते हैं, और उन्हीं लोगों को हम प्रतिबद्ध लोग समझते हैं जो किसी बहुजन नाम वाली, बहुजन विचार वाली राजनीतिक पार्टी में कोई व्यक्ति है तो हमें लगता है कि ये हमारा अपना व्यक्ति है, ये भरोसेमंद व्यक्ति है। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी और राजनीतिक दल में हमको नजर आता है तो हम उसको फिर गरियाना शुरू कर देते हैं, उसको विभिन्न प्रकार की उपमाएं देते हैं, और ये सब चीजें जो आप, ये जो चमचे और मैं जो बातें कही वो सारी चीजें, मुझे लगता है कि उससे हम कमजोर होते हैं बजाय कि मजबूत होने के। अन्य समुदायों के लोग विभिन्न जगहों पर अपनी जगह बनाते हैं और वो वहां रह करके अपने समुदाय की आवाज को मजबूत करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोग एक ही पार्टी में बन जाए और वो यहीं से बात करें और एक दूसरे से फिर लड़ते रहें, और फिर यहाँ से कोई तो निकाला जा रहा है, कोई गद्दार कहा जा रहा है, कोई बिठाया जा रहा है, ये सब चीजें। मुझे लगता है कि इतना बड़ा समाज है अगर इस देश में तो वो विभिन्न प्रकार के विचारों के साथ भी जाएगा, विभिन्न राजनीतिक दलों में भी अपनी जगह खोजेगा। हम चाह करके भी एक दो राजनीतिक पार्टियां बना करके उनको सबको उसमें समायोजित नहीं कर सकते हैं, तो जहां सत्ता होगी वहां सत्ता के साथ लोग जाएंगे। और हिंदी पट्टी में आप ये देख भी सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए तो बाकी तमाम राज्यों में लोग भाजपा कांग्रेस या वहां के जो स्थानीय दल है उसके साथ जा रहे हैं। तो मुझे तो कोई इसमें बुरा, मतलब मुझे उसमें कोई बुराई नहीं लगती है। मुझे लगता है कि इस तरह के स्पेसेस क्रिएट किए जाने चाहिए, और अगर वो है स्पेस तो उनको उपयोग किया जाना चाहिए। हमारे लोगों को सभी जगहों पर होना चाहिए, बस इतना सा है कि वो अगर बाबा साहब के विचारों के साथ वहां रहे और वहां उस समुदाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रख सकें, तो इस तरह का समाज को एक माहौल बनाना चाहिए कि वो वहां खड़े होकर के बात को रख सकें। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य राजनीतिक दल में है और सारा समाज उसको गाली दे रहा है तो फिर वो वहां समाज के पक्ष में खड़ा होकर के बोलने की हिम्मत करेंगे, मुझे उसमें थोड़ी उम्मीद कम लगती है। तो ये तो जरूरी है कि हम सब जगह पर रहें, सब तरफ। मुझे लगता है कि रविकांत जी, रविकांत सर का तो कोई सवाल तो नहीं था, उनका तो टिप्पणी ही था। वो सही है कि तस्वीरें आई है और तस्वीरों का अपना एक महत्व है, फिल्मों का अपना एक महत्व है, क्योंकि आज जो दक्षिण का सिनेमा हम देखते हैं उसमें हमें डॉक्टर अंबेडकर जिस तरीके से दिखते हैं वो उत्तर के सिनेमा में हमें बॉलीवुड में नजर नहीं आता है, और वो साफ फर्क हम पाते हैं, कंटेंट में भी पाते हैं और जो संवाद है उसमें भी दिखता है। कई चीजें जो हैं वहाँ, जैसे जय भीम में डॉक्टर अंबेडकर तो बहुत कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन पूरी फिल्म जिस तरीके से उस विचार को मजबूती से पेश करती है, मुझे लगता है कि प्रतीकों का अपना महत्व है निश्चित रूप से, और वो महत्व कभी कम नहीं होगा, वो सदैव बना रहेगा,
फिल्मों के जरिए भी, तस्वीरों के जरिए भी, मूर्तियों के जरिए भी, तो उसके साथ किसी प्रकार का कोई कोई एतराज नहीं है, उसका विरोध नहीं है कि ये सब ना हो, ये सब होना चाहिए। हमने राजस्थान में काम शुरू किया तो हमने सबसे पहले बाबा साहब की तस्वीर ही ले जा करके दी। मेरे अपने ऑफिस में अभी भी यहाँ जो लोग आते हैं वो सबसे पहले तस्वीरें ही देखते हैं, उसी पे चर्चा शुरू करते हैं, देन फिर हम सारी चीज करते हैं। पर मैं जब ये बात यहाँ आपके सामने कह रहा हूँ तो मैं ये सोच के यहाँ ये बात रख रहा हूँ कि मैं गंभीर, जो गंभीरता से एक सारगर्भित, एक सुचिंतित अंबेडकरवादी आंदोलन की दिशा में जो लोग सोच रहे हैं उनके बीच में हम बात कर रहे हैं। यही बात मैं जो यहाँ कह रहा हूँ वो बाहर सड़क पे जाकर के मैं नुक्कड़ की सभा में ये बात नहीं कहूंगा, वहां की भाषा हमारी अलग होगी, या मैं कबीर की सत्संग में जाकर के जब बात कहूंगा तो वहां की भाषा निश्चित रूप से दूसरी होगी। तो वो एक 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 अलग चीज है। मैं अब आखिरी सुधीर मस्के साहब की बात पे आता हूँ। मैं सुधीर जी आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि केवल हमें केवल आलोचना ही नहीं करनी चाहिए, हमारी उपलब्धियां हैं, बहुत उपलब्धियां हैं। अंबेडकरवादी आंदोलन की उपलब्धियां कम नहीं है, आलोचनाएं बहुत कम है जो मैंने अभी 10-20 मिनट में आपके सामने रखी है। उपलब्धियां इतनी है कि हम उस पर लंबी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उपलब्धियां हमारे सबके सामने हैं। लेकिन ये भी हमें देखना पड़ेगा कि शायद उन उपलब्धियों के बाद आज हम कहीं ठहराव की परिस्थिति में भी हैं, ये सेचुरेशन जो है ये भी टूटना चाहिए। और ये आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं इसको सवाल के रूप में नहीं ले रहा हूं, बल्कि आपने एक 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 नया विचार भी दिया, और ये हमारा भी अपना विचार है कि जब तक कल्चरल, सोशियो कल्चरल रिवोल्यूशन नहीं आएगा, हमारे बाकी तमाम जो प्रयोग हैं वो कितने भी सफल हो जाएं, चाहे हम 4 बार किसी स्टेट की सत्ता में बैठ जाएं, या हम आईएएस बन जाएं, आईपीएस बन जाएं, या और कहीं बड़ी जगहों पे बैठ जाएं, बड़ा कमा लें, पूंजीपति बन जाएं, कुछ कर लें, लेकिन अंत में हम कुछ भी स्थायी निर्मित करना चाहते हैं, तो वो मुझे लगता है कि बाबा साहब का जो आखिरी निर्णय था, धम्म का जो निर्णय था, उस निर्णय से आएगा। क्योंकि लंबा अगर चलना है तो हमें एक सांस्कृतिक, एक सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव की बहुत जरूरत है, तो मैं उसमें आपकी, आपसे सहमति रखता हूं। धन्यवाद। अगर कोई और सवाल पूछना चाहें हमारे ऑनलाइन श्रोता दर्शक, तो मंच खुला हुआ है। तब तक मैं एक सवाल, मत एक जिज्ञासा सी है, चूंकि आपने बहुत बड़ा इलाका कवर किया और एक तरह से उस स्वप्न, उस विजन की भी बात कर रहे हैं, उस मैनिफेस्टो की भी बात कर रहे हैं जो कि अंबेडकरवादी आंदोलन को उस पर काम करना चाहिए, सोचना चाहिए उस दिशा में, तो उसको तो समग्र दस्तावेज के रूप में हमें देखना होगा। तो आपकी आलोचना जो है जैसे जेंडर को लेकर के, वो बिल्कुल जायज है और सही जगह पर है, और जाहिर है कि स्त्री मुक्ति या समानता के स्वप्न के बगैर कोई भविष्य किसी भी आंदोलन का नहीं हो सकता है, और अंबेडकरवादी आंदोलन भी इसका अपवाद नहीं हो सकता है। सवाल मेरा सवाल भाषा को लेकर के है, उसको लेकर के भी कई तरह की बातें होती रही हैं। हमारे एक दोस्त चंद्रभान जी जैसे इंग्लिश गॉडेस की पूजा, बकायदा पूजा करते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम अंबेडकरवादी लोग इंग्लिश को हम पूजेंगे और इंग्लिश में ही हमारी मुक्ति है, जो एक तरह से बड़ा नेचुरल और अंबेडकरवादी जैसा भी लगता है, ठीक है। और चारों तरफ आजकल एक नई जबान पैदा हो रही है जो कि अंग्रेजी के मिलने से ही बनी है, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे दीगर जबानों में, हमारे भारत के दीगर जबानों, मलयाली, तमिल, असमी, सब जगह बंगाली, सब जगह वो अंग्रेजी के मिलने से एक नई जबान पैदा हो रही है जो कि मिली जुली है। तो भाषा को कैसे देखते हैं, इसको कैसे, कोई नजरिया है अलग जो हम लोग नहीं जानते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक और सवाल है किनका? अच्छा ठीक है, नाम बताएं। प्रताप बेहरा साहब भी एक सवाल पूछना चाहते हैं, तो वो पूछेंगे।
asked to unmute. नमस्कार. मैं स्टार्टिंग से सुन रहा था आपको. मैं डेली स्कूल ऑफ सोशल वर्क का फैकल्टी मेंबर हूँ. तो एक सवाल मैं पूछना तो चाहता था लेकिन रिजर्व रखा था. ये जो दलित को एक कैटेगरी हम मान रहे हैं और कहीं कहीं एक से अधिक जगह पे इसका रिएक्शन देख रहे हैं कि जो अंग्रेजी में जिसको हेटरोजेनिटी कह रहे हैं, ये एक होमोजेनियस ग्रुप नहीं है, ये होमोजेनियस कैटेगरी नहीं है. इसी दलित कैटेगरी के अंदर स्ट्रैटिफिकेशन है. सब लोग एक लेवल पे नहीं हैं. तो जाति और उपजाति टर्म आपने कहा, जाति और उपजाति, यानी कि इंटरनल स्ट्रैटिफिकेशन है. सोशल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रिजेक्ट तो करना मुश्किल है. तो कहीं ना कहीं इसका आर्टिकुलेशन भी हो रहा है. ये आर्टिकुलेशन कहीं ना कहीं लार्जर एजेंडा को डिफीट करने का हिंट दे रहा है. लेकिन ये तो एक फैक्ट है कि विद इन दिस कैटेगरी एक स्ट्रैटिफिकेशन है जिसको हमें एड्रेस तो करना होगा. ये मेरा एक था, मैं रिजर्व रखा था मेरे सवाल को, लेकिन एक लैटर अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं सोचा कि आर्टिकुलेट कर दूं. थैंक यू जी. धन्यवाद प्रताप बेहरा साहब. मुझे लगता है कि आपका ये तो सवाल नहीं है बल्कि आपकी टिप्पणी है, क्योंकि ये बात सही है. वही आपने भी वही कहा जो मैंने कहा है. लेकिन ये जो आपने एक चीज कही कि एक लार्जर एजेंडा इससे डिफीट हो, ऐसी भी एक संभावना बन रही है, तो मुझे लगता है कि हमें इस सवाल को अंबेडकरवादी आंदोलन को प्रमुखता से एड्रेस करने की जरूरत है. कोई और हमारी भीतर की दरारों का इस्तेमाल करके फायदा उठा ले जाए, उससे पहले हमको ही इन सारी दरारों पर चर्चा करनी है, उनको पाटना है. और जिन समुदायों को लगता है कि कोई और समुदाय उससे आगे निकल गया या उसके हिस्से का खा गया या कुछ और हो गया है, जो चर्चाएं चलती है उपजाति अस्मिताओं के सारी बातचीत में, उन सारे सवालों पर हमें अपने भीतर खुल के बात करने की जरूरत है. अगर हम बात नहीं करेंगे तो कोई और बात करेगा, और कोई और बात करेगा तो वो उसके मंच पर जाकर के लोग बैठेंगे, जो कि हमने देखा है कई जगहों पे राजनीतिक रूप से भी उसका नुकसान हो रहा है और सामाजिक रूप से भी नुकसान हो रहा है. तो दलित एक पहचान है, अनुसूचित जाति का समूह भी, वो भी एक समूह ही है. वो उस रूप में तो होमोजेनियस ग्रुप तो नहीं है, ये तो हमको स्वीकारना ही पड़ेगा. लेकिन जिस भी रूप में ये एक समूह बना है, वो चाहे अपनी पीड़ाओं की वजह से बना है या संवैधानिक अधिकारों की वजह से बना है या जिस भी रूप में एक समूह निर्मित हुआ है, उस समूह के भीतर की जो दरारें हैं उस पर बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. और अगर हम वो कर पाए, उसको रिजोल्व कर पाए, तो मुझे लगता है कि उसका जो हम जो एक बड़ी एकता बनाने जा रहे हैं और उसको नहीं बनने देने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वो उनको हम डिफीट कर सकते हैं. मुझे लगता है रविकांत सर ने जो कहा भाषा को लेकर के, मुझे लगता है कि एक डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत प्रसिद्ध कोटेशन जो अक्सर कहा जाता है, शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा. मुझे लगता है एक्चुअली वो अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, ये था. और ये विचार वहीं से आता भी है, क्योंकि बाबा साहब बाहर पढ़े और ज्यादातर हमारी आजादी के आंदोलन के तमाम लोग जो थे वो बाहर पढ़े, और जो लोकतंत्र के मूल्य आज हम देख रहे हैं वो सब कुछ हम माने नहीं माने वो पश्चिम की शिक्षा से हमारे बीच में आए हैं. और आज भी ये तो मैटर करता ही है. हमारे हिंदी अखबारों की भाषा देखिए और अंग्रेजी अखबारों का रिपोर्टिंग देखिए, तो उसमें भी तो हमारे पूरे थॉट प्रोसेस में भाषा बहुत मायने रखती ही, निश्चित रूप से रखती है.
लेकिन मैं फिर से मुझे लगता है कि देखिए अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की जाए वो बहुत जरूरी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और आज उसके बिना कुछ भी काम चलता नहीं है। आप गांव में बैठे हो चाहे आप दिल्ली में बैठे हो, कोई लंदन में बैठा हुआ हो, लेकिन अंग्रेजी देवी की पूजा करने से तो अंग्रेजी शिक्षा नहीं प्राप्त होगी। वो ठीक है, वो एक चंद्रमान साहब ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि भाई मेकाले क्यों जरूरी हमारे लिए है या क्यों अंग्रेजी देवी की हमें पूजा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि भाषा वो महत्वपूर्ण है जो अभिव्यक्त कर सके आपको। कई सारे लोग मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रतिरोध का साहित्य इस देश में मराठी में लिखा गया, जबकि अंग्रेजी या हिंदी में नहीं है वो उस रूप में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मराठी वो भाषा नहीं है? तो भाषा को लेकर के किसी प्रकार का मेरे मन में दुराग्रह नहीं है और कोई आग्रह भी नहीं है। लोग पढ़े जिस भी भाषा को उनको लगता है कि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जो वर्चस्व वाला समाज है या जो शासक है और जो शोषक है वो सदैव अपनी अलग भाषा बनाएगा। आप जब खड़ी बोली बोलेंगे तो वो संस्कृत में बोलेंगे, आप जब संस्कृत सीखने की कोशिश करेंगे तो वो फारसी पे चले जाएंगे, आप फारसी अरबी सीख लेंगे तो वो अंग्रेजों के बगलगीर होकर के अंग्रेजी पढ़ने लगेंगे, आप जिस दिन अंग्रेजी में प्रवीण हो जाएंगे वो इंग्लिश बना लेंगे, और आप जिस दिन इंग्लिश में पहुंच जाएंगे वो अपनी एक नई भाषा निर्मित कर लेंगे। तो शासन की और सत्ता की एक अलग भाषा है, ये हमें समझते हुए भाषा को लेकर के कोई आग्रह दुराग्रह नहीं पालना चाहिए। मेरा बस इतना सा कहना, धन्यवाद। नहीं, बहुत बढ़िया, आपके जवाब से मैं काफी मुतमईन हूँ। और उस शासन की भाषा के बरक्स शायद भाषाई इनोवेशन की भी जरूरत है लगातार अम्बेडकरवादी में। और तो कोई सवाल नहीं है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया भंवर जी, बहुत मजा आया। ये टॉक हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत किया है, जिसके तहत हम सिर्फ उत्सव नहीं मनाते हैं बल्कि विचारों का और आत्मालोचना का और आलोचना का उत्सव भी मनाते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि तभी हमारी आज़ादी मजबूत होगी जब हम उससे तरह तरह के सवाल पूछ पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, फिर हम आपको तकलीफ देंगे कभी भविष्य में, और कभी यहाँ आइए आमने सामने गप करेंगे और या कोई और सेमिनार करेंगे या आयोजन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकाल पाए हमसे बात करने के लिए। निशिकांत, थैंक यू वेरी मच। CSDS का बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत। निशिकांत जी, अयोध्या और प्रवीण और चंदन, सबका शुक्रिया जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया, इसके लिए मेहनत की, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार भंवर जी। Thank you.